हाँ जी, स्वागत है सभी का कृषि अवार्ड चैनल पर। आज हम आपको स्टेंसिल पेंटिंग करनी सिखाते हैं। पहले आपने जो सूट है उसका मेजरमेंट कर लेना है, जैसे कि हम बाजू वाला डिज़ाइन आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जो स्टेंसिल है उस पे जो डिज़ाइन आपने डालना है सूट पर वो रख के दूसरे डिज़ाइन पर जो आपने नहीं डालना उस पर टेप लगा दें अच्छी तरह से और उसे बंद कर दें। उसके बाद जो डिज़ाइन आपने डालना है उसे मेजरमेंट के हिसाब से अच्छी तरह से रख लें और उसके बाद फिर जो है स्टेंसिल अच्छी तरह से जचा लें। अगर आप टेप लगाना चाहें तो आप टेप भी लगा सकते हैं कि वो हिले ना, नहीं तो आप अपने हाथ दूसरे हाथ से उसे पकड़ सकते हैं। और इस तरह स्पंज पर लगा के कलर आप उसे इसी तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आप स्पंज के साथ स्टेंसिल के ऊपर जहाँ जहाँ आपने डिज़ाइन डालना है सूट पर या बाजू पर वहाँ वहाँ आप स्पंज से कलर लगा लें। ये स्पंज ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट पर मिलती है, अगर चाहें आप तो आप दूसरी स्पंज होती है जो उसका टुकड़ा लेके भी आप इसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे हमारा डिज़ाइन बन गया। इसी तरह से स्टेंसिल दूसरी तरफ रखना है, जो लाइन हमने खींची है उसके ऊपर ही डिज़ाइन आना चाहिए। ऊपर जो ये हम दिखा रहे हैं ये डिज़ाइन से डिज़ाइन मिला के ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और उसके बाद फिर उसी तरह से नीचे की तरफ पुश करते हुए जो स्पंज है उसे, एक बात का ख्याल रखना है इस पर आपने ज़्यादा पतला कलर नहीं लगाना है, जैसे कलर आते हैं फेविक्रिल के वैसे ही आपने लगाना है, उसमें कोई पानी या कोई मीडियम नहीं डालना है। ये कलर बहुत अच्छे होते हैं, ये फेट नहीं होते सूटों पर या किसी भी कपड़े पर। इस तरह आपने बिना पानी बिना किसी भी कोई भी केमिकल लगाए सीधा ही कलर को जो है स्टेंसिल के ऊपर से लगा लेना है और इसी तरह पेंटिंग बना लेनी है। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इस तरह हमने सूट पर भी और बाजू पर भी यही डिज़ाइन डाल दिया है। अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।